तो दोस्तों एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर भाई आप सैलरीड हो या फिर आप दोस्तों स्टूडेंट हो या फिर दोस्तों आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, यानी कि आप तीनों में से इनमें से आप कोई भी हो सकते हो। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कुछ लोन एप्लीकेशन की और दोस्तों आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको यहाँ पर कोई पैसों की जरूरत पड़ गई है और दोस्तों आप लोन लेना चाहते हो किसी ऐसी एप्लीकेशन से जहाँ से आपको लोन मिल सके, दोस्तों आज की जो एप्लीकेशन होने वाली है बहुत ही अच्छी खासी एप्लीकेशन होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है कि आपको कोई भी यहाँ पर इनकम प्रूफ नहीं देना है। जिस तरीके से दोस्तों मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना है, कोई भी बैंक स्टेटमेंट नहीं देना है, किसी भी प्रकार का आपका यहाँ पर कोई भी सिविल स्कोर की कोई भी झंझट नहीं है। दोस्तों एप्लीकेशन आपको बहुत ही अच्छी खासी होने वाली है, अच्छे खासे इसके डाउनलोड होने वाले हैं, अच्छे खासे यहाँ पर इसके यहाँ पर रेटिंग होने वाली है। दोस्तों आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होने वाली है। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों इस एप्लीकेशन की, तो इसमें अगर आप अप्लाई कर लेते हो और इसमें आपको लोन मिल जाता है, बहुत ही कम दोस्तों यहाँ पर ब्याज दर देखने को आपको मिल सकती है। दोस्तों पूरा प्रोसेस आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, क्या एप्लीकेशन का नाम होने वाला है, कैसे दोस्तों आपको इसमें अप्लाई करना है, किस तरीके से करके दोस्तों आपको इसमें यहाँ पर अप्लाई करना है, जिससे दोस्तों आपको क्या है कि इनकम प्रूफ या फिर बैंक स्टेटमेंट आपको देना ना पड़े। दोस्तों वीडियो का एंड तक जोर देखना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर दोस्तों अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो ये एप्लीकेशन होने वाली है ये दोस्तों आपको तीनों ही कैटेगरी में आपको लोन प्रोवाइड करवाती है। तीनों कैटेगरी कौन सी होने वाली है, यानी कि दोस्तों अगर आप यहाँ पर सैलरीड हो या फिर दोस्तों आप सेल्फ एम्प्लॉय हो या फिर दोस्तों आप एक स्टूडेंट हो, यानी कि आपके पास में कुछ भी नहीं है, आपके पास में कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपके पास में कोई भी बैंक प्रूफ नहीं है, इनकम प्रूफ नहीं है, आपका जो सिविल स्कोर है वो भी डाउन है, तो भी दोस्तों आपको यहाँ से लोन मिलने के चांसेस हैं। कैसे मिल सकते हैं वो दोस्तों मैं आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। दोस्तों इन्होंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बता रखा है जो प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है 20 रुपये से लेकर 120 रुपये तक यहाँ से आपको लग सकती है, ठीक है। और जो दोस्तों आपको टर्नओवर रहने वाला है वो दोस्तों यहाँ से 61 दिन से लेकर 120 दिन तक आपका यहाँ पर रहने वाला है। जो दोस्तों आपका मिनिमम रहेगा वो 61 दिन तक रहेगा, यानी कि आपको यहाँ पर 2 महीने का रहने वाला है। और जो आपका मैक्सिमम रहेगा वो दोस्तों यहाँ पर 120 दिन का आपका यहाँ पर टर्नओवर रहने वाला है। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। यहाँ पर दोस्तों इस एप्लीकेशन के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। और दोस्तों आपको घबराना नहीं है कि ये एप्लीकेशन का नाम क्या होने वाला है, सब कुछ मैं वीडियो में बता दूंगा कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए। जैसे जैसे मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ वैसे वैसे दोस्तों आपको यहाँ पर पहले तो अप्लाई कर लेना है। बात करें दोस्तों हम इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो दोस्तों यहाँ पर 12% से 36% तक आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, जैसा कि दोस्तों इन्होंने अपने अबाउट सेक्शन में यहाँ पर लिख रखा है। 36% तक आपको यहाँ पर देना पड़ सकता है जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दोस्तों आपको कहीं पर भी नहीं जाना है एप्लीकेशन के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट इस पर क्लिक कीजिए, आप दोस्तों यहाँ पर अपने जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसकी यहाँ पर रेटिंग की, 4.3 की इसकी रेटिंग है और बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर इसके रिव्यू भी बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे आपको। दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए मैंने इस एप्लीकेशन को आपके सामने लेके आया हूँ और दोस्तों मैं इसमें अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन को जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर शो हो रहा है कि मेरे को यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करना पड़ेगा। जैसे मोबाइल नंबर टाइप करता हूँ आपके पास एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP यहाँ पर वेरीफाई करवा लेना है। जैसे ही वेरीफाई करवा लेते हो आपके पास में ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों क्रेडिट योर यंग इंडिया, दोस्तों यहाँ पर इंडिया का ये एप्लीकेशन होने वाली है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है। और दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका यहाँ पर गूगल अकाउंट है दोस्तों इससे आपको जो आपकी ईमेल आईडी है वो दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई करवानी पड़ेगी। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर साइन इन विद गूगल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो वहाँ पर आप वेरीफाई करवा लेते हो आपके पास में ऐसा ऑप्शन आपके पास में शो हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि तीनों कैटेगरी में आपको लोन प्रोवाइड करवाएगी। जैसे कि दोस्तों ऊपर की साइड में दिख रहा है नॉन सैलरीड स्टूडेंट को यहाँ पर लोन मिल जाएगा, सैलरीड एनी प्रोफेशनल कुछ भी हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेस ओनर शॉप ओनर, यहाँ पर आप किसी भी आप बिजनेस के ओनर होने चाहिए, यानी कि छोटा मोटा आपके पास में कोई बिजनेस होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर फ्री में आपको लोन लेना है, यानी कि आपके पास में कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है, कोई भी आपके पास में बिजनेस नहीं है, तो दोस्तों आप क्या चूज़ किया, आप चूज़ कीजिए दोस्तों यहाँ पर नॉन सैलरीड, यानी कि आप स्टूडेंट पर आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर चूज़ करोगे आपके पास में ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर दोस्तों आप नॉन सैलरीड पर आप क्लिक कर देते हो यहाँ पर दोस्तों आपके पास में आ जाएगा।
इस योर मंथली इनकम आपकी 15,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। मिनिमम आपकी KYC रिक्वायरमेंट है। फिक्स्ड क्रेडिट लिए आपको लिमिट मिलेगी यहाँ पर, जो आपकी मिनिमम KYC होती है। मिनिमम KYC इसको बोलते हैं कि आपकी जो आधार कार्ड होता है और पैन कार्ड होता है वो तो दोस्तों आपका यहाँ पर लगने वाला है 100%। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ, मेरे पास में ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी और जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी जो मैरिज है या फिर सिंगल हो, तो दोस्तों यहाँ पर मैं सिंगल डाल देता हूँ। उसके बाद में जो आपका दोस्तों यहाँ पर करंट एड्रेस है वो दोस्तों यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद में जो आपका यहाँ पर पिन कोड होगा वो दोस्तों यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके यहाँ पर पास आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपकी जो आपकी लैंग्वेज है वो दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपका व्हाट्सअप नंबर होगा वो दोस्तों यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सअप नंबर फिल करके दिखा देता हूँ। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको पता भी होगा अगर आप मेरी वीडियो को देखते होंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं वेरीफाई व्हाट्सअप नंबर पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास में ऐसा इंटरफेस आ जाता है, जैसे कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि मैंने यहाँ पर जो भी मेरा व्हाट्सअप नंबर है मैंने इसको वेरीफाई करवा लिया। यहाँ पर चिन्ह भी आ चुका है वेरीफाई का। इसके बाद में दोस्तों आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके पास में ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी आपके आधार कार्ड होगा उसके दोस्तों यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। यहाँ पर ऐड इन्फॉर्मेशन आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपकी डालनी पड़ेगी। जैसे आप ये काम कंप्लीट कर देते हो यहाँ पर कंप्लीट का प्रोसेस आपके पास में दिखाई दे जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अपलोड फोटो, आपको अपना आधार कार्ड का बैक और फ्रंट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, वो दोस्तों मैं यहाँ पर करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि मेरा अभी यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड हो रहा है, तो जैसे ही अपलोड हो जाएगा यहाँ पर भी मेरे पास में यहाँ पर कंप्लीट का मेरे पास में यहाँ पर चिन्ह आपके पास में दिखाई दे जाएगा। जैसे ही यह काम कंप्लीट कर लेते हो नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जो भी आपका आधार कार्ड होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई करवा लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके पास में आ जाता है, जो भी आपकी पैन कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर डालने की आपके पास में ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। जैसे ही आप नंबर डाल देते हो आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, जैसे कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जैसे नाम आ जाएगा, यहाँ पर नाम आ जाएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। जैसे सेलेक्ट कर लेते हो सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हो जो भी आपका उसके बाद में दोस्तों आपकी जो वीडियो KYC होती है वो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी पड़ेगी। वीडियो KYC कंप्लीट करने के लिए दोस्तों आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर अपलोड वीडियो पर क्लिक करना है और जो दोस्तों यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए रखे हैं, यहाँ पर वीडियो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, द इंस्ट्रक्शन योर शुड बी फॉलो योर वीडियो KYC। यहाँ पर वीडियो KYC होती है। सो द फ्रंट एंड बैक साइड ऑफ योर ओरिजिनल आधार कार्ड से आई एम अप्लाइंग फॉर लोन ए पॉकेटली, यहाँ पर से आई एम प्रोमिस टू पे द लोन ऑफ पॉकेटली। यहाँ पर दोस्तों ये बोल रहा है कि जो हमारा लोन है वो आप टाइमली पे करोगे और जो हमारा आधार कार्ड है ये है। यहाँ पर दोस्तों ये सब कंप्लीट करने के बाद में मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैंने यहाँ पर कंप्लीट KYC करवा ली है। कंप्लीट KYC करवाने के लिए दोस्तों उसके बाद में आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है परमिशन डिटेल का। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर साइन विद, यहाँ पर जो भी आपकी जो मेल आईडी होती है वो दोस्तों यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। जो भी आपकी मेल आईडी होगी वो दोस्तों यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। जैसे आप ये काम कर लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो, आपके पास में ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपके जो रेफरेंस होता है, यानी कि आपके जो रेफरेंस होते हैं माता पिता या फिर भाई दोस्त जो भी हो सकता है, वो यहाँ पर आपको दो नंबर आपको फिलअप करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको रिलेशन में आपको टाइप करना है, जो भी आपका रिलेशन होगा यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ पर उसका नंबर डालना है, ऐसे नीचे करना है, सेम टू सेम आपका प्रोसेस होने वाला है। रेफरेंस नंबर डालने के बाद में आपके पास में ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि जो मेरी KYC है वो दोस्तों यहाँ पर अंडर रिव्यू में मेरी जा चुकी है, जैसे कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं। योर KYC एप्लीकेशन इज अंडर वेरिफिकेशन। जैसे दोस्तों मेरी जो KYC होती है वो वेरिफिकेशन हो जाती है, यहाँ पर दोस्तों मेरे पास में यहाँ पर लिमिट शो हो जाएगी। 34 घंटे के बाद में मेरे पास में यहाँ पर जो लिमिट है वो दोस्तों आने वाली है। तो जो लिमिट आएगी उसको दोस्तों मैं अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। वहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आ जाएगा बैंक अकाउंट जोड़ने का, यानी कि ऐड करने का। उसको उसके बाद में दोस्तों मैं जो लिमिट मिलेगी मेरे को उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अगर हम दोस्तों बात करें कि एप्लीकेशन का नाम क्या होने वाला है, पॉकेटली एप्लीकेशन पर्सनल लोन एप्लीकेशन का नाम होने वाला है। इसको दोस्तों आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, कहीं पर भी जाने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लाइक कीजिए और दोस्तों अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।